13 आज 13 मार्च 2023। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, श्याम साधु जिंदगी में जो बात करता है चैलेंज से बात करता है। कल भी मैंने लेबर से कहा कि जो मेरे यहाँ काम कर रहे हो, जो कमा रहे हो ना, पूरे ब्रह्मांड में घुमाओगे तुमको ये ऐसी ये पुण्य नहीं कमा पाओगे, और पुण्य कमाओगे तो बचे रहोगे। दुबई चले गए, पैसा कस के ले आए, पता लगा लड़का मर गया, घर में कोई कांड हो गया, क्या फायदा ऐसी कमाई। तब वो कमाई करो जिसमें कि आगे तुम्हारा परिवार बढ़े चले और तुम सुखी रहो। आदमी सुखी रहने के लिए सब कुछ करता है। इसी प्रकार से हम लोगों से ये कहते हैं कि जिसको जल्दी मरना हो बंदर भोज में अड़ंगा मरना हो या मुसीबत आना हो, आप बंदर भोज का आप जो है एक थोड़ा हटा दो भैया, वीडियो बन गई है, बंदर भोज जो है आप उसका विरोध करो। अरे बानर जो है वो हनुमान जी का प्रारूप है, तो पत्थर में हनुमान ढूंढते हैं, कागज में हनुमान आप ढूंढते हैं जा करके, शर्म नहीं आती है? अरे पहले बानर में ढूंढो और फिर हनुमान जी की मंदिर का मतलब है कि हम बानर को जाने, हमने भी तो हनुमान मंदिर से बानर को जाना। तो हनुमान जी के मंदिर क्या है, वो पुस्तक की फ्रंट पेज है। अब पुस्तक आप खोल के मत पढ़ो और खाली फ्रंट देखते रहो। दवा की लेबल है, दवा लिखा है, वो दवा को मत खाइए, खाली लेबल पढ़ते रहिए। आज समाज में यही हो रहा, इसलिए लोग भोग रहे हैं, कोई सुखी नहीं। उठा पटक मार काट, बात बात में मार, जो गोली मारते हैं शूटर, अब शूटर से पूछो तुम्हारे बीवी बच्चे हैं कि नहीं है, क्या उनको ऊपर गुजरती होगी, नींद हराम हो जाती है, तो गोली मरवाना, घोटाले बड़े बड़े करना। तब तो रात को होली मिलन में हमने कहा कि बीजेपी के राज में ही इतने पकड़ धकड़ क्यों होते हैं भाई। भाई आप लोगों के राज में भी तो बीजेपी रही तो आपको भी इनको पकड़ माना था, है क्योंकि तो आपके जैसा इन्होंने घोटाला नहीं किया। अब भले बाद में आरोप लगा मैं ऐसा है वैसा है, हमारा मतलब मुखिया पर आइए। आप एक परिवार में 6 बच्चे हैं, क्या 6 धर्म भगवान बुद्ध थोड़े होंगे, कोई अच्छा होगा कोई खराब होगा कोई निकम्मा होगा, हमको मुखिया को देखना है। तो हमारे मुखिया अभी तक क्या था मुखियों में कि जो नरसंहार जिसने किया कश्मीर में, वह उसका मुँह टेढ़ा टेढ़ा सा है, जरा मलिक क्या बोलते हैं वो, सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके फोटो खींचे जा रहे हैं, यही तो मसाला मिलता है बीजेपी। और तो फिर बीजेपी जब देश के लिए बोलेगी तो जो जितना भी हिंदू समाज है वो उसके साथ हो जाएगा। हर आदमी को मान सम्मान चाहिए, बहुत से कुत्ते टाइप के हैं, उनको बस सिलेंडर सस्ता कर दो, आटा सस्ता कर दो, नौकरी दे दो, बस काम खत्म, देश जाए चूल्हे भाड़ में। जब राष्ट्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। हमने 85 साल की उम्र में देखा कि चाइना और पाकिस्तान को मोदी जी ने यूँ दिखाया, बस अगर जरा बोलोगे तो यूँ झापड़ मारेंगे, औकात नहीं हुई उनकी कि वो बोले। और कोई नेता चाइना का पक्ष ले रहा है, आप लोग अपने पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप जानते हैं कि तमाम लोगों को जिंदाबाद मुर्दाबाद हम करवा देंगे तो आपकी सरकार बन जाएगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद सब सरकार नहीं बनने वाली, अब काम करना होगा। और काम है नहीं खाली सस्ता ही नहीं, सबसे पहला काम है राष्ट्र को मजबूत बनाइए। आप राष्ट्र को मजबूत बनाइए, पूरी दुनिया के अंदर अपने भारत का नाम बढ़ाइए। अब यह हालत है कि अच्छा काम करने के लिए हनुमान को प्रारूप के लिए यह गाड़ी में देखो, यह अमरूद है, यह चना है, रोटी है। अभी हमारा आदमी इसी गाड़ी को लेके जाएगा, इस गाड़ी का नाम है उड़न खटोला, इसको थोड़ा रंग जूम करवा दें, बैटरी से है। अभी इसमें जाएंगे जहाँ जहाँ बंदरों को ढूंढना, ऐसे बंदरों को अड्डा है वहाँ जाके दे दिया, लेकिन बंदर वहाँ हैं उसके लिए कोई को आपत्ति नहीं है, 24 घंटे अंदर वहाँ है। लेकिन अगर हमने खाना दिया उसको बेजाहर, अच्छा राहगीर लोग थोड़ा लोग जाते हैं ना, मंगलवार को देखिए आप जहाँ मनाइए वहीं लोग जो जा रहे फेंक दिया, अब आप क्या करें, कोई पहला करेंगे तो बदनाम तो हम हैं। बाबा आता है तो बाबा ने इस इलाके छोड़ा, हम कहा इलाके छोड़ो, अब तो हनुमान जी से बैठ लिया है, तुम जानो हनुमान जी जाने, और इसका प्रणाम सामने रायबरी में आओ पता लगा दो। जिन जिन लोगों ने बानर भोज के लिए ऐतराज किया है या हमारा अपमान किया है उनके सामने भीषण मुसीबत आई है, एक दो नहीं एक दर्जन मैं उदाहरण दे सकता हूँ। अभी नंबर हमसे ले लीजिए, ठाकुर राम सिंह से पूछिए,
उन्हीं के खानदान का आदमी एक लाठी मारा काले वाले बंदर का, पैर ही टूट गया, हड्डी टूट गई। एक हफ्ते के बाद जिसने लाठी मारा था उसके भी पैर टूट गए। मामूली बात है, देखो कुत्ता भय गुंताड़े में फट से बाहर आ जाए। तो देखिए उधर भी दिखा दो जरा सा, हाँ खड़ी रहो खड़ी रहो खड़ी रहो, इधर आओ इधर आओ। कल वहाँ हमारे ग्रामीण बैंक के मैनेजर साहब ने कहा उनको तो चैन नहीं पड़ती, जल्दी ये करो वो करो, वो ससुरा आए फट गया। अब हम रात में 2 बजे तक परेशान, सिद्धार्थ जी को फोन किया, कह नहीं नहीं होगा। फिर लेबर जी आए, उनको मैंने डांटा, हमने कहा देखो हमने तुमसे कहा कि हाँ जाओ तो हमने, लेकिन तुम भी तो अपना दिमाग लगाओ, आप ड्यूटी पर हो, पैसा हम तुमको दे रहे हैं, वहाँ बोलिए कि साहब देखिए वीडियो बनाना है, अब ये बाद में कर लीजिएगा, इनको बोलना था। अब वो आए फिर ये भी नहीं ढोल पाए, फिर सिद्धार्थ जी को फोन किया, अब वो ब्रश व्रश करके कुर्सी डाल के बेचारे मेरे इंतजार में बैठे हैं। एक मामली से बताइए, ये जो हमारी यहाँ रहती है यहाँ पर, इन्होंने यूँ मोबाइल छुआ यूँ छुआ सारे ऐपा गए एक सेकंड के अंदर। लेबर से कहा कहीं नहीं, अब रात दिन देखे वैसा बैठी रहती है, हम कहा कुछ भी हो यार, दोनों पढ़े लिखे तो है नहीं, जाते हाउ पढ़े जाते नहीं पढ़े बचाओ, इसका तो हमको लगता है कोई अस्पताल खुल जाए तो भी नर्स का काम बहुत बढ़िया कर देगी, आँखों में दवाई डालना है अपने मन से, बाबा दवाई डालना है। तो ये आदमी ने एक गुण है, कोई अच्छा आदमी काम करता हो उसका मनोबल बढ़ाओ, उसको आगे लाओ। अब बीजेपी में सारी अच्छाइयाँ हैं लेकिन अहंकार मैं बहुत देखता हूँ भाई, हमको वही माइंडेड क्या है, हम तो चाहते कि बीजेपी पूरी दुनिया में छा जाए, लेकिन हम चाहते हैं ना, तो आप भी तो हमको चाहो है, आप भी तो जानो। अब कल है क्या धर्मेंद्र द्विवेदी ने कल बेचारे बताओ कहाँ चंदा उमदा लगा के हजारों रुपये का कल जो होता है सील होता है वो हमको कल भेज दिया गया, कोतवाल साहब से उन्होंने सम्मान साल उड़वा दिया। तो ये भावना होनी चाहिए, काम कार्यों का मूल्यांकन करो। संदीप पाठक ने कल कहा क्यों कि अपने कार्यों से अपने बल से पूरी दुनिया के की बोलती बंद करने वाले हमारे गुरु जी श्याम गांधी थी, ललकारा तो हजारों आदमी बैठे तो रहे, तो जब सच्चाई थी तब तो लोगों ने सुना। आज बीजेपी में ये सब गंगा जल पी के बैठे हैं मोदी योगी हैं, तभी तो यहाँ पकड़ो यहाँ झकड़ो यहाँ बुलडोजर चलाओ, तब उनके अंदर सच्चाई है, तब तो हमारे देश का है, भारत को बचाया है, वो हमको माने या ना माने लेकिन हम उनको माने, क्यों वो राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हमारा मतलब है कि नहीं, अब ये 2024 के लिए बीजेपी वालों अभी से कमर कसो, दरवाजे जाओ और हमारे जुझारू नेता को लाइब्रेरी में आइए, कुंवर मैंग, संदीप पाठक, धर्मेंद्र द्विवेदी, रामू दादा, इन लोगों को पकड़ो, सब बोलते हैं तो लगता है सारा मंच ही पूरा हिला के रख देंगे, क्योंकि इन लोगों में सच्चाई है। क्या रामू दादा ने थोड़ा दुकानदारों के लिए काम किया है, थोड़ी लड़ाई लड़ी है उसने, तब जो जुझारू है बोलता है तो लगता है कि साला स्पीकर ही फट जाएगा, क्योंकि उसमें दम है तभी बोलता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अच्छे काम करने के लिए हमको कुड़िया जहाँ खंडहर हो, जहाँ कोई आदमी ना हो वहाँ जाएंगे, दुगना समय हमारा लगता है, और जहाँ बंदर तो मना ही है वहाँ बंदर राव लेडी हैं, आप करके देख लोगे, लोग सुनते हैं लेकिन कोई बोलता है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, ये सब जिसको दिखाया करिए, ये सामान रोज का रोज जा रहा है, और आज कौन सी तारीख है, 13 है ना, आज 13 क्या नाम मार्च 2023 है। जय श्री राम का।